नमस्कार, मैं हूं शिवानी बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज 19 अक्टूबर दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में बाढ़ से 30 जिलों में तबाही, बाढ़ पीड़ितों के लिए केंद्र से 3638.5 करोड़ की मांग। केंद्रीय टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेगी दौरा। 17वीं यूपीएससी परीक्षा की संभावित तिथि 13 दिसंबर, आवेदन की तिथि भी बढ़ाई गई, अब 4 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन। पोल्ट्री व्यवसाय के लिए सुनहरा मौका, मुर्गी फार्म के लिए आर्थिक सहायता आवेदन करें और पाएं 40 लाख तक। जमीन दस्तावेजों की गुणवत्ता जांच शुरू करने का आदेश, जमाबंदी पंजी के स्कैनिंग प्राथमिकता, अंचलाधिकारी को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी। द फैमिली मैन 3 की शूटिंग शुरू, नए विलन के साथ आएगा सीजन, निमृत कौर का नया किरदार आकर्षक। सरकारी विद्यालयों में तरंग महोत्सव, कक्षा 6 से 8 के लिए कला एवं खेल का उत्सव 21 से 25 अक्टूबर तक पटना में होगा आयोजन। भारत ने दूसरी पारी में बनाए 231 रन, तीसरे दिन की अंतिम गेंद पर आउट हुए कोहली, अभी भी न्यूजीलैंड से 125 रन पीछे भारत। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पंजाब एंड सिंध बैंक ने अप्रेंटिसशिप के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2025 से शुरू है, जो 31 अक्टूबर 2024 तक जारी रहेगी। स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र में छूट मिलेगी। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट punjabandsindbank.co.in पर जाना होगा। सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपये है, जबकि एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीटी वर्ग के लिए 100 रुपये निर्धारित किया गया है। फॉर्म प्रिंट करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2024 है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती से संबंधित सभी जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर देखें। बिहार में इस बार 30 जिलों में बाढ़ से व्यापक तबाही हुई है, जिसके लिए सरकार ने 605 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी कि बिहार सरकार ने केंद्र से 3638.5 करोड़ रुपए की मदद की मांग की है, जिसके बाद केंद्रीय टीम 20 अक्टूबर को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी और नुकसान का आकलन करेगी। आपदा प्रबंधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने बताया कि सभी बाढ़ पीड़ितों को 7000 रुपये की सहायता राशि दी गई है। संतोष सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्पष्ट निर्देश है कि खजाने का पहला हक आपदा पीड़ितों का होगा। सरकारी स्कूल के बच्चे कलाबाजी दिखाएंगे। बता दें कि शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों के बच्चों के लिए तरंग कला एवं खेल महोत्सव का आयोजन करने की घोषणा की है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस टीजर को जारी करते हुए खुशी व्यक्त की है। यह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता बिहार सरकार के राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें कक्षा 6 से 8 के चयनित छात्र भाग लेंगे। कला वर्ग में नृत्य, गायन, पूर्ति कला, चित्रकला, निबंध लेखन और रंगोली शामिल है, जबकि खेल वर्ग में ऊंची कूद, लंबी कूद, दौड़, योग, गुलेल और गिल्ली डंडा से निशानेबाजी का आयोजन होगा। यह प्रतियोगिता 21 से 25 अक्टूबर 2024 तक एससीईआरटी परिसर एवं पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में आयोजित की जाएगी। पटना के ज्ञान भवन में 22 और 23 अक्टूबर को ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर TTF का आयोजन होगा। पर्यटन को बढ़ावा देना और निवेश आकर्षित करना है। पिछले महीने भी इस फेयर का सफल आयोजन हुआ था, जिसमें कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसे राज्य की बड़ी उपलब्धि बताया, जिससे पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार होगा। इस फेयर में विभिन्न राज्यों, होटलों और ट्रैवल एजेंसियों के प्रतिनिधि स्टॉल लगाकर टूरिज्म पॉलिसी और लोकेशन की जानकारी साझा करेंगे। 23 अक्टूबर को आम जनता भी इस फेयर में शामिल हो सकेंगे, जिससे बिहार के पर्यटन उद्योग को नई दिशा मिलेगी। बीपीएससी ने 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा की संभावित तिथि 13 दिसंबर 2024 की घोषणा की है। पहले यह परीक्षा 17 नवंबर को होने वाली थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है। साथ ही बीपीएससी ने आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी है, जो अब नवंबर यानी 4 नवंबर 2024 तक है। इच्छुक उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन सुधार की प्रक्रिया 19 अक्टूबर से 4 नवंबर 2024 तक खुली रहेगी। आवेदन शुल्क एससी एसटी महिला और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये और अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये है। साथ ही प्रत्येक पद के लिए 200 रुपये का बायोमेट्रिक शुल्क भी लगेगा।
व्यवसाय के शौकीन लोगों के लिए सुनहरा मौका है। बिहार मुर्गी पालन योजना के तहत राज्य सरकार मुर्गी फार्म खोलने के लिए 3 से 40 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। अब तक 12 पोल्ट्री लेयर फार्म और 71 पोल्ट्री फार्म के लिए आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिन पर 30% से 50% तक अनुदान दिया जाएगा। इच्छुक लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और आवश्यक कागजात में भूमि का प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, लगान रसीद, एलपीसी लीज करारनामा, नक्शा आदि शामिल है। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और पोल्ट्री फार्मिंग में प्रशिक्षण जरूरी है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभार्थियों को अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। बिहार सरकार ने नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने और यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ एक विशेष जांच अभियान शुरू की है। इस अभियान में बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस नाबालिग चालकों और बिना हेलमेट वाले दोपहिया चालकों पर कार्रवाई की गई। कुल 913 वाहनों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 118 तिपहिया वाहनों को जब्त किया गया। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए यह अभियान आगे जारी रहेगा। इसके साथ ही हेलमेट की उपयोगिता बढ़ाने के लिए भी जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बिना हेलमेट के 493 चालकों पर कार्रवाई की गई। बिहार के जहानाबाद में 21 अक्टूबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इच्छुक युवा नौकरी पा सकते हैं। यह मेला जिला नियोजन सह परामर्श केंद्र द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नोएडा की निजी कंपनी HRVS इंडिया PVT LTD शामिल होगी। कंपनी 50 पदों पर भर्ती करेगी, जिसमें ऑपरेटर और हेल्पर के लिए 10वीं 12वीं डिप्लोमा और ITI पास युवा आवेदन कर सकते हैं। चयन वॉक इंटरव्यू के माध्यम से होगा और चयनित युवाओं को 12,378 से लेकर 15,252 रुपये की मासिक सैलरी मिलेगी। अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक कागजात, शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो सहित रिज्यूमे साथ लाना होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन के डिजिटलाइज्ड दस्तावेजों की गुणवत्ता की जांच शुरू करने का निर्णय लिया है। बता दें कि निजी एजेंसी मेसर्स कैपिटल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए जा रहे डिजिटलाइजेशन के कार्य की गुणवत्ता की जांच न होने के कारण दस्तावेज विभागीय पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। विभाग के सचिव जय सिंह ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि वे जांच कर संतुष्ट होने के बाद दस्तावेजों को अपलोड करें। वहीं अंचलाधिकारी को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है और जमाबंदी पंजी यानी रजिस्टर 2 की स्कैनिंग को प्राथमिकता दी गई है। वर्तमान में 36 प्रकार के राजस्व अभिलेखों को डिजिटलाइज किया जा रहा है, जिसमें अनुमानित 28 से 30 करोड़ दस्तावेज शामिल हैं। मुआवजा वितरण में भी भूमि उपयोग की प्रकृति में बदलाव के कारण दिक्कतें आ रही हैं। अधिकारियों को इन समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। बिहार सरकार ने बालू के कारोबार में छोटे व्यवसायियों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है, जिससे उन्हें बालू भंडारण और बिक्री का अधिकार मिलेगा। इसके लिए बिहार खनिज समानुदान यानी अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण नियमावली 2024 में नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जिसमें छोटे व्यापारी 25,000 घन फुट बालू भंडार करने के लिए 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपये या 5 वर्ष के लिए 20,000 रुपये का शुल्क चुकाकर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही बाढ़ से प्रभावित खेतों में धूस और बालू मिश्रित मिट्टी के उठाव के लिए किसानों को 100 से 300 रुपये का शुल्क देकर परमिट प्राप्त करना होगा। यह प्रक्रिया कृषि योग्य भूमि की उर्वरता को बहाल करने में मदद करेगी। मनोज बाजपेयी की द फैमिली मैन वेब सीरीज के तीसरे सीजन का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहले 2 सीजनों की सफलता के बाद इस बार कई नए चेहरे कास्ट में शामिल होंगे। शूटिंग सितंबर 2024 से नॉर्थ ईस्ट में शुरू हो चुकी है। जयदीप अहलावत के अलावा निमृत कौर को भी विलन के किरदार के लिए अप्रोच किया गया है। सीरीज की शूटिंग नागालैंड में हो रही है, जिसमें मनोज बाजपेयी एक बार फिर श्रीकांत के रोल में नजर आएंगे। इस सीजन की स्क्रिप्ट राज DK और सुमन कुमार ने लिखी है। द फैमिली एक एक्शन थ्रिलर है जो अमेज़न प्राइम पर प्रसारित होती है। बिहार को उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से जोड़ने के लिए बन रहे गोरखपुर सिलीगुड़ी हाईटेक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 519 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे बिहार के 8 जिलों से होकर गुजरेगा और यात्रा के समय को 15 घंटे से घटाकर 9 घंटे करने में मदद करेगा। इसमें 25 इंटरचेंज और गंडक नदी पर 10 किलोमीटर लंबा पुल शामिल है। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए NHAI के माध्यम से 32,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। यह एक्सप्रेसवे न केवल यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि क्षेत्रीय व्यापार
व्यापार और निवेश को भी बढ़ावा देगा, जिससे बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल के बीच संबंध मजबूत होंगे। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे चंद्रवती देवी की। बिहार की चंद्रवती देवी, जिनका जन्म 19 अक्टूबर 1909 को मुजफ्फरपुर में हुआ, उन्होंने हिंदी और बंगाली सिनेमा में पहचान बनाई। जब कुलीन परिवारों की महिलाओं के लिए अभिनय करना संभव था, उस समय उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उन्होंने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी। चंद्रवती ने कोलकाता में बंगाली साहित्य में स्नातक की डिग्री हासिल की और दीनेन्द्रनाथ टैगोर से संगीत का प्रशिक्षण लिया। उनके प्रति बिमल पाल के सहयोग से उन्होंने मूक फिल्म पियारी 1929 में ये फिल्म आई थी, उनसे करियर की शुरुआत की और संभवतः बंगाल की पहली महिला फिल्म निर्माता बनी। उन्होंने अग्नि परीक्षा और अमी सिराजर बेगम जैसी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंद्रवती देवी का निधन 22 अप्रैल 1992 को हो गया। धनतेरस और दिवाली ऑफर पर नई कार खरीदना एक अच्छा मौका होता है, लेकिन खरीदारों को पुरानी मैन्युफैक्चरिंग कारों के मामले में सतर्क रहना चाहिए। डीलरशिप एग्जीक्यूटिव अक्सर ग्राहकों को हाल ही में बनी कार का आश्वासन देकर कई महीनों से खड़ी कारें बेच देते हैं या डेमो कारों को भी बेच सकते हैं। फेस्टिवल के दौरान वेटिंग के चलते प्रोडक्शन यूनिट कुछ कमियां छोड़ सकता है। जब ग्राहक डिलीवरी के समय मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कार पुरानी है। इससे बचने के लिए ग्राहकों को डीलर से अस्पष्टता से बात करनी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग डेट की जांच करनी चाहिए। शिकायत करने पर एग्जीक्यूटिव अक्सर सीमित ऑफर्स का हवाला देते हैं, जिससे ग्राहक असहाय महसूस करते हैं। बिहार में अब मौसम का बदला हुआ रूप दिखने लगा है। सुबह और शाम हल्की ठंड का एहसास राजधानी पटना सहित अन्य सभी शहरी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। वहीं सीतामढ़ी, मधुबनी जैसे उत्तर मध्य बिहार के कुछ जिलों में तड़के सुबह हल्का कोहरा भी देखा जा रहा है। हालांकि अभी कोहरा की मात्रा कम है, खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों को ठंडक महसूस हो रही है। वहीं आज के मौसम की स्थिति की बात करें तो बिहार के अधिकतर जिलों में आज मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं राजधानी पटना सहित अन्य जिलों का अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज के लिए कोई मौसम की चेतावनी जारी नहीं की है। बिहार में सारण, सिवान और गोपालगंज में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद मद्य निषेध विभाग ने नए सिरे से शराबबंदी के लीकेज को रोकने के लिए कदम उठाए हैं। अवैध शराब के रूट की पहचान के लिए सीमावर्ती जिलों के चेक पोस्ट पर चौकसी बढ़ाई जा रही है। विभाग ने शराब लदे वाहनों पर डिजिटल लॉक और GPS मॉनिटरिंग का प्रावधान किया है। वहीं मद्य निषेध विभाग के मुख्य सचिव अमृत लाल मीना आज शराबबंदी की समीक्षा करेंगे, जबकि विभागीय अधिकारी स्थिति की जाँच में जुटे हैं। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 106वां स्थापना दिवस समारोह और 43वां महाधिवेशन 20 अक्टूबर को शुरू होगा। यह आयोजन महाप्राण पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और राम वृक्ष बेनीपुरी को समर्पित है, जिनका 125वां जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि रंजन करेंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को सम्मेलन की उच्च उपाधि विद्या वारिधि दी जाएगी। पहले दिन के सत्रों में भारत की राष्ट्रभाषा और अन्य भारतीय भाषाओं पर चर्चा होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में निराला की काव्य कृति पर नृत्य नाटिका और अन्य प्रस्तुतियां होंगी। अगले दिन के सत्रों में विश्व बंधुत्व और साहित्य के नए प्रश्नों पर विचार किया जाएगा। बिहार के नालंदा जिले के पावापुरी में नॉनवेज खाने पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है और इसे अगले आदेश तक बहाल रखा जाएगा। यह फैसला जैन धर्म के पवित्र उत्सव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। नगर प्रशासन मांसाहारी सामान की बिक्री पर रोक लगाने के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग कर रहा है। मालूम हो कि पावापुरी जैन समुदाय के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ भगवान महावीर की विशेष पूजा दिवाली के समय होती है। इस वर्ष भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण दिवस 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने जैन मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा ने नीतीश कुमार की जदयू और चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को 3 सीटें दी हैं, जिसमें जदयू को 2 और लोजपा को 1 सीट मिली है। भाजपा 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि आजसू को 10 सीटें दी गई हैं। जदयू जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि लोजपा चतरा से चुनाव लड़ेगी। हालांकि जदयू और लोजपा रामविलास की ओर से कौन कौन उम्मीदवार होंगे, इसे लेकर पार्टी अपना पत्ता नहीं खोला है। नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 25 अक्टूबर तक चलेगी और पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा। चुनाव परिणाम 23 नवंबर को घोषित होंगे। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी बाकी है।
राजधानी पटना में बीते दिन 18 अक्टूबर को फिल्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी भाग लिया और उन्होंने बिहार में फिल्म उद्योग की संभावनाओं की बात की। फिल्म कॉन्क्लेव में जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि पूरी दुनिया नई नई जगहों पर फिल्मों के शूट के लिए जाते हैं, वह सब कुछ बिहार के पास है। आज हम लोग फिल्म कॉन्क्लेव में जाएंगे और अपने विचार को रखेंगे। हमें उम्मीद है कि बड़ी योजना के साथ नई फिल्म नीति पर बिहार आगे बढ़ेगा। रिलायंस जियो ने 5G सेवाओं में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिससे यह एयरटेल और अन्य टेलीकॉम कंपनियों से आगे निकल गया है। ओपन सिग्नल की रिपोर्ट के अनुसार जियो की 5G उपलब्धता 66.7% है, जबकि एयरटेल का स्कोर 24.4% है। जियो के उपयोगकर्ताओं को औसत डाउनलोड स्पीड लगभग 89.5 MBPS मिलती है, जो एयरटेल के 44.2 MBPS से लगभग दोगुनी है। जियो ने कवरेज अनुभव में 10 अंकों के पैमाने पर 9 प्राप्त किए हैं, जबकि एयरटेल को 7.1 अंक मिले हैं। TRAI के आंकड़ों के अनुसार जियो का ग्राहक आधार 472.42 मिलियन है, जो इसे वायरलेस सेगमेंट से शीर्ष पर रखता है। बेंगलोर के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 356 रनों की बड़ी बढ़त हासिल की। जवाब में भारत ने भी दूसरी पारी में 3 विकेट पर 231 रन बना लिए। भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और सरफराज खान ने अर्धशतक जड़े। भारतीय टीम हालांकि फिलहाल 125 रन पीछे चल रही है। वहीं भारत ने तीसरे दिन के खेल की अंतिम गेंद पर सेट बल्लेबाज विराट कोहली का विकेट गंवाया। कोहली और सरफराज खान के बीच शानदार साझेदारी चल रही थी, जिसे ग्लेन फिलिप्स ने कोहली को आउट कर तोड़ा। स्टंप के समय सरफराज खान 78 गेंदों पर 7 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 70 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। आज की तारीख भारतीय इतिहास में कई कारणों से है दर्ज। आज के दिन साल 1970 में भारत में निर्मित पहला MiG-21 विमान भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। आज के दिन साल 2002 में दिव्यांश सिपनवार भारतीय निशानेबाज का जन्म हुआ। साल 1870 में मातंगिनी हजारा प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी का जन्म हुआ था। 1887 में सारंगधर दास स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनका जन्म हुआ। आज के दिन साल 1910 में खगोल भौतिक शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म हुआ था। आज के दिन साल 1971 में प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक राम अवध द्विवेदी का निधन हुआ था। साल 1995 में हिंदी फिल्म अभिनेत्री कुमारी नाज का निधन हुआ था। सोशल मीडिया पर एक फर्जी संदेश वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार बेरोजगारों को हर महीने 3500 रुपये भत्ता देगी। इस संदेश में प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना की शुरुआत का भी जिक्र है और रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक साझा किया गया है। हालांकि PIB ने इस दावे को झूठा बताया और कहा है कि सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना नहीं चल रही है। उन्होंने लोगों को संदिग्ध लिंक्स पर क्लिक न करने की सलाह दी है। इससे पहले भी एक अन्य फर्जी पोस्ट में कहा गया था कि सरकार फ्री मोबाइल फोन दे रही है, जिसे PIB ने नकारा था। नेतरहाट आवासीय विद्यालय के पूर्व छात्रों की गैर लाभकारी संस्था नोबा GSR ने अपनी नई कार्यपालिका टीम की घोषणा की है। हाल ही में अध्यक्ष रमेश चंद्र मिश्रा के आकस्मिक निधन के बाद नागेंद्र नाथ सिन्हा को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजेश चंद्र मिश्रा को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नोबा GSR ने अब तक 650 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें लगाई हैं, जिससे 1 लाख से ज़्यादा बच्चियों को लाभ हुआ है। को फाउंडर विकास रंजन ने बताया कि टीम का लक्ष्य सभी बच्चियों और महिलाओं को स्वच्छ माहवारी व्यवस्था प्रदान करना है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताते हैं, जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आते हैं। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से होते हैं। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आज का पहला सवाल है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? ऑप्शन ए फारूक अब्दुल्ला, ऑप्शन बी अमर अब्दुल्ला, ऑप्शन सी महबूबा मुफ्ती, ऑप्शन डी मनोज सिन्हा। इसका सही उत्तर है अमर अब्दुल्ला। दूसरा सवाल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में भारतीय नौसेना के VLF राडार स्टेशन की नींव रखी है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है तेलंगाना।
तीसरा सवाल है, हरियाणा ओपन गोल्फ टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी पंचकुला, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी फरीदाबाद। इसका सही उत्तर है पंचकुला। चौथा सवाल है, बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना कहाँ है? ऑप्शन ए हरनौत, ऑप्शन बी जमालपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जमालपुर। आखिरी और पांचवा सवाल है, बिहार के किस जिला में चूना पत्थर पाया जाता है? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी कैमूर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से कई लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोतीलाल कुमार, राजेश कुमार, राजीव कुमार, रोहित कुमार, अनवर करीम खान, सोनी, अभिषेक, वेद प्रकाश, रवि कुमार राम, सोहन अली खान, राकेश मिश्रा, राम सागर पासवान, नंद कुमार सिंह, विनय कुमार और दुर्गा कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि इस बार दिवाली में आप क्या खरीदने का प्लान बना रहे हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।